जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका अपना केशव। आज है 4 जून और कल है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो हम क्यों करें कल का इंतज़ार, आज ही मनाएं वर्ल्ड एनवायरनमेंट। जितनी भी नेचुरल प्लेसेस हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेना, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो मेरा एक इंस्टाग्राम पर पेज है, उसको जाकर के विज़िट कर सकते हैं। पेज का नाम है mygarden946 एंड यू कैन विजिट देयर। तो आज हम पेड़ पौधे लगाने के अलावा पेड़ पौधों से जुड़ी हुई जो विरासतकालीन कहानियाँ हैं उनके बारे में सुनेंगे। और जो हमारे साथ रहेंगे वो है मिस्टर फिरोज़ अहमद, जो कि एक हिस्टोरियन है कोटा के फेमस। तो हमें बताएंगे कि कौन कौन से पेड़ पौधे हैं और उनकी उनसे जुड़ी जो विरासतकालीन कहानियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ छत्र विलास उद्यान, तो अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी। फूल का जब टाइम देखेंगे तो पूरा इस तरह बिछ जाता है और इसका जो रस है अत्यधिक मीठा होता है, इस वजह से इस पर लड़ झड़ मधुमक्खियां हुई रहती हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल खत्म हो गया और इसके लगभग अनुमानित 250 साल बची हुई है और ये उसम झाला जालिम सिंह के कार्यकाल उसमें ही ये ऐसा बताते लिखा है कि लगाए थे आम के वृक्ष, उसमें सबसे पुराना ये नजर आ रहा है। ये टूट गया, गुदा कम होता है, तो इस तरह से हमारे यहाँ ये जामुन तीनों प्रकार के डायबिटीज वाले इसको खा रहे हैं मोस्टली। और आज जो डायबिटीज के बारे में जो एक मिथक हो गया या यूं समझिए वो मिल नहीं रहा, तो इस वाले जामुन को खा रहे हैं, जबकि हमें खाना चाहिए था वो, हमें करेला नहीं खाना था, हमें मरेला खाना था, छोटा था वो, कड़वा होता, खा नहीं सकते हम उसको, लेकिन क्योंकि हमने इतने कीटनाशक छिड़क दी को मिलना बंद हो गया। 200 साल सिंह जी प्रथम ने बनवाया था, 250 साल पुराना कुआं है, अभी भी आप देखिए पानी। तो हमारे यहाँ पे एक पूरी एक मतलब तालाब बनाने की, कुएं बनाने की, बावड़ियाँ बनाने की परंपरा थी। किसी के बेटा होता था तो खाना नहीं देता था, वो कुआं बनवाया था कुआं तालाब बनवाया था। तो इस तरह का एक हमारा नहीं, चंदन काट के 2-4 बार ले जा चुके हैं लोग वहाँ गार्डन से, इसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिली। इसका जो स्पेशल केज बनाया हुआ इसीलिए है क्योंकि ये बहुत इसकी लकड़ी महंगी बिकती है, चंदन का पेड़ है। यूं कहें कि चंदन है क्या? हाँ, हर जंगल में चंदन नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ चंदन है। बांस का पौधा लगाइए और चंदन का पौधा लगाइए, इस चंदन की ग्रोथ डबल हो जाती है, क्योंकि बांस में उस चीज को आप पूरी दुनिया में जान रही है। ज्यादातर आपको शुरुआती तौर पे नदियों के बारे में आगे बात करते हैं। मेरे सामने जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये रोड जाता है चंबल रिवर फ्रंट पर। सच में दोस्तों, ये रोड देखने लायक है, रोड पे गाड़ी चलाने में ही मज़ा आ रहा है, और जब रिवर फ्रंट खुल जाएगा तो उसके बाद तो अलग ही मज़ा रहेगा। ये रोड एकदम जाम हो जाएगा, जो भी आपको खुला खुला दिख रहा है।